नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए करेंट अफेयर और यू पी से जुड़े हुए पेपरों के मॉडल टेस्ट पेपर तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने कल किया था दृष्टि आई संस्थान का सी सेट का पेपर आज हम लोग करेंगे जी वर्ल्ड संस्थान का सी पेपर ठीक है बच्चों लेट्स वी स्टार्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो तो वह 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी तो आप जैसे जानते हैं आपसे पूछा गया है टाइम यानी टाइम आपसे पूछा गया है और टाइम इज़ इक्वल टू अगर हम देखें चाल बराबर होता है दूरी बटे समय क्या होता है दूरी बटे समय तो अगर हम समय की बात करें तो हो जाएगा वो दूरी बटे चाल ठीक है बच्चों अब दूरी की बात की जाती है तो ये चाल हमें दी गई है पचास किलोमीटर और दूरी दी गई है सौ मीटर ठीक है और 150 मीटर तो अगर हम यहाँ पे दूरी देखें बच्चों तो कैसे निकालेंगे उसे ज़रा देखते हैं पहले देखें क्या है हमारा दूरी होता है ट्रेन की लंबाई 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 यानी 250 मीटर ठीक है इतना हो गया 250 मीटर अब हम समय निकालना है तो समय का सीधा फार्मूला लगा देंगे दूरी यानी दो बटे समय यानी किलोमीटर दूरी मतलब चाल अब इसे हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में है क्योंकि आपका टाइम तो उसे चेंज करेंगे हम और वो चेंज हो के आएगा अट्ठारह बटे पाँच कितना आ जाएगा बच्चों अट्ठारह बटे पाँच तो आपका समय यानी चाल अब क्या हो गई मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड में होने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एट्टी यानी कितना आ गया एटीन सेकेंड ठीक है तो जरा देखें हमारे ऑप्शन क्या हैं हमारा ऑप्शन है चौबीस सेकेंड बी है बीस सेकेंड सी है सोलह सेकेंड या डी है अठारह सेकेंड तो हमने निकाला कितना समय हुआ अठारह सेकेंड यानी यदि कोई रेलगाड़ी की लंबाई पचास लंबाई सौ मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई एक सौ पचास मीटर है तो टोटल दूरी निकाल लेंगे और उसे पार करने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसे केवल 18 सेकेंड का समय लगेगा पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी संख्या के दो बटे पाँचवें भाग यदि किसी संख्या के दो बटे पाँचवें भाग तथा तीन बटे आठवें भाग का अंतर पाँच है तो वह संख्या क्या होगी तो बच्चों यदि आपको ऐसा सवाल करने को मिले तो वो कैसे किया जाएगा इसे हम लोगों को देखना है क्या देखना है कि एक संख्या का दो बटे पाँच तथा तीन बटे पाँच आठ भाग का यानी जैसे मान लो कोई संख्या आपकी एक्स है और एक्स का दो बटे पाँच यानी टू एक्स बटे फाइव और एक्स का तीन बटे आठ यानी तीन बटे एक्स बटे आठ उसका अंतर अगर हम निकालें तो अगर हम अंतर निकालने जाते हैं तो सीधा इससे हम अगर ये डिफ्रेंस की बात कर रहा है तो ये डिफ़्रेंस हम निकाल लेंगे टू बाई फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स बाई आठ तो ये कितना हो जाएगा अगर हम देखें सिक्सटीन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स बाई फोटी कितना हो जाएगा सिक्सटीन एक्स माइनस फो तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे और यदि टोटल क्या निकल आती है टोटल आपकी संख्या होती है क्या होती है बच्चों टोटल आपकी संख्या होती है अंतर कितना निकल रहा है अंतर आपका पाँच निकल रहा है ये प्रश्न में दिया हुआ है यानी टू हंड्रेड इक्वल टू एक्स तो ये एक्स आपका कितना हो गया बच्चों एक्स हो गया आपका ए यानी ए में दिया है आपका टू हंड्रेड तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर एक व्यक्ति प्रति माह पंद्रह रुपये अधिक बेचने अधिक बचाने का निश्चय करता है यानी पंद्रह रुपये माह पंद्रह रुपये अधिक बचाने का निश्चय करता है यदि वो प्रथम माह में पंद्रह रुपये बचाता है तो उसकी बचत कब पंद्रह हजार की सीमा पार कर जाएगी ऑप्शन दिए गए हैं तीस माह चालीस माह पच्चीस माह और बीस माह यदि हम यहाँ पे बात करें कि वो क्या कर रहा है वो प्रत्येक माह क्या कर रहा है पंद्रह रुपये बचा रहा है कितने बच्चे हों पंद्रह रुपये तो यदि हम निकाल निकालें एक बचत का दूसरी बचत से तो वो कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा यानी यदि एक माह में आपने पहले में पंद्रह बचाए तो अगले में तीस बचाएंगे अगले में पैंतालीस बचाएंगे, बचाएंगे अगले में आप साठ बचाएंगे डेट डॉट 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 यानी आप कितने बचा लेंगे पंद्रह हज़ार बचा लेंगे यानी आपसे यहाँ एन पूछा है यदि हम इसे सीरीज़ देखें बच्चों तो ये कौन सी सीरीज़ बन गई है ये आपकी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक्स सीरीज़ बनी हुई है इसे सॉल्व करें तो जरा देखते हैं तो बच्चों ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा एन का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा इसे समझते हैं समांतर श्रेणी में कुल योग क्या होता है एस एन इज़ इक्वल टू का फार्मूला हमें लगाना है एन बाई टू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है बच्चों एन की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहीं पर हम आगे देखते हैं ये एस एन कितना है बच्चों यू हो रहा है आपका पंद्रह हजार पंद्रह हजार है ना और एन वाई टू कितना है इसे ज़रा समझते हैं एन वाई टू एन वाई टू है आपका जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू थाउ टू थाउजेंड इक्वल टू ज़ीरो ठीक है और ये सॉल्व होने के बाद आपका आएगा आपका आएगा उसे ज़रा देखते हैं आपका आएगा x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू माइनस पचास और कितना चालीस तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो तीस माह चालीस माह पच्चीस माह या बीस माह तो सीधा आपका आंसर क्या होगा चालीस माह ठीक है बच्चों यानी यहाँ पे हमें सीरीज़ निकालनी है और सीरीज़ में फार्मूला जो हमने रखा है वो रख देते हैं डिफरेंस हमें पंद्रह पता ही है एस एन हमें पता है टू का वैल्यू रख देंगे टू टू ए है टू ए एन माइनस वन इंटू डी ठीक है बच्चों तो ये फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पास फोर्थ में क्या है बच्चों सेंटीमीटर लंबाई के एक घन में तीन सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं यानी आपको इसमें क्या दिया गया है इसमें आपको पंद्रह सेंटीमीटर ये मिस प्रिंट है इंग्लिश का वर्जन देखते हैं एक्स सेंटीमीटर एक्स साइड हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड थ्री सेंटीमीटर कैन मेड क्यू ऑफ साइड एक्स सेंटीमीटर यहाँ एक्स दिया गया है कितना दिया गया है बच्चों एक्स दिया गया है ठीक है तो ज़रा इसे सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं क्या है इसमें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम घन का आयतन निकालेंगे ठीक है यानी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी उसको ज़रा देखेंगे तो फिफ्टीन का जो घन का आयतन निकालेंगे यानी ए क्यूब यानी क्यू बटे तीन का क्यूब ये भी घनों की संख्या हो जाएगी यानी बड़ी भुजा की संख्या बटे छोटी भुजा की संख्या और इन्हें सॉल्व करने के बाद आपका आएगा बच्चों वन ट्वेंटी फाइव कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव ये यहाँ पर पंद्रह सेंटीमीटर होगा नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर फाइव पाँच व्यक्तियों के परिवारों में प्रति व्यक्ति औसत आय बारह सौ रुपये प्रति माह है यदि परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय बारह हज़ार रुपये बढ़ जाती है तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय क्या होगी ज़रा इसे समझें ऑप्शन है आपके एक हज़ार रुपये बी है बारह सौ रुपये सी है तेरह चौदह हज़ार रुपये और डी है आपकी कितनी सोलह हज़ार रुपये तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करें औसत आय कितने लोगों के पांच व्यक्तियों के ये है आपका तो हम मासिक आय x मान लें तो पांच व्यक्तियों का टोटल एवरेज कितना होगा 5x और मासिक आय बारह सौ बढ़ती है ठीक है बच्चों पांच व्यक्तियों की औसत कुल आय कितनी हो गई तो औसत को निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1200 सौ मल्टीप्लाइड बाई फाइव यानी सिक्स थाउजेंड रुपये कितनी सिक्स थाउजेंड रुपये अब व्यक्ति की वार्षिक आय में वृद्धि निकालनी है हमें क्या निकालनी है व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी वार्षिक आय में जब वृद्धि निकालेंगे तो क्या होगी तो वो हो जाएगी सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड बाई टू तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका सेवन थाउजेंड कितना हो जाएगा बच्चों सेवन थाउजेंड तो ये सेवन थाउजेंड किसके बराबर है ये सेवन थाउजेंड फाइव एक्स के बराबर है किसके बराबर बच्चों फ़ाइव एक्स के ठीक है तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू सॉल्व करने के बाद हो जाएगा फोर्टीन हंड्रेड कितना बच्चों फोरटीन हंड्रेड तो परिवार की आयु कितनी आय कितनी हो जाएगी टीन हंड्रेड यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर सिक्स के पास यदि दो संख्याओं का गुणनखंड 300 तीन सौ है तो और उनका अनुपातिक संबंध एक रेशियो वन रेशियो फाइव है यानी गुणनखंड तीन सौ कह रहे हैं अनुपातिक वन रेशियो फाइव है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा तो ये इस उत्तर को करने के लिए हम संख्याएं मान लेते हैं एक एक्स मानी दूसरी फाइव एक्स मानी और इन दोनों का गुणनखंड किया तो फाइव एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री हंड्रेड तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों ये हो गया आपका सिक्सटी कितना हो गया सिक्सटी आप ये कह रहे हैं कि इनका संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के वर्गों का अंतर की बात की गई है तो अगर हम एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स का स्क्वायर निकालेंगे उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा तो अगर ये हम इनके अंतर की बात करें इनका स्क्वे अंतर की बात करें तो ऐसे कर सकते हैं इसे ज़रा सही से लिखते हैं बच्चों तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको इसमें क्या करें हम संख्याओं के वर्गों का अंतर निकाल लें बच्चों समय की भी हम लोगों को देखना है कि समय आपका ज़्यादा ना जाए और आपके क्वेश्चन भी आ जाएं तो कई बार हम क्वेश्चन केवल आपसे समझने के लिए करेंगे 5x एक्स माइनस एक्स और 5x एक्स प्लस एक्स तो यहाँ पे हम देखते हैं 4x एक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स एक्स यानी ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायेर ठीक है अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों सिक्सटी कितनी आई थी सिक्सटी उन संख्याओं के तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ठीक है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ही तो निकाल रहे हैं तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 24 फोर सिक्स जा कितना होता है वन फोर 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 ज़ीरो यानी जो आपका अंतर आया वो वन फोर फोर ज़ीरो तो आप ऑप्शन देखें ए में फिफ्टीन थर्टी सिक्स टेन ट्वेंटी फोर थर्टीन फिफ्टी सिक्स या फोर्टीन फोर्टी तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले सेविन के पास और देखते हैं सेविन में क्या है राम की आयु श्याम की आयु की तीन गुनी है कितनी है तीन गुनी है पाँच वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु से दो गुनी हो जाएगी तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए यानी राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी है तो बच्चों ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं उसे समझते हैं तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं ज़रा उसे समझें तो ऐसे सवालों में हम ऐसे सवालों में क्या किया जाता है उसे समझने के लिए हम इसमें क्या करें हम इसमें राम की आयु x मान लें तो श्याम की आयु एक्स वाई थ्री कर दें ठीक है बच्चों पाँच वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी हो जाएगी पाँच वर्ष पश्चात राम की आयु एक्स प्लस फाइव तो श्याम की आयु एक्स श्याम की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों श्याम की आयु की हम बात करें तो वो हो जाएगी टू एक्स बाई थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगी बच्चों टू एक्स बाई थ्री प्लस फाइव ठीक है यानी एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया टू एक्स प्लस टेन कितना टू एक्स प्लस टेन और थ्री तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थर्टी मल्टीप्लाइड बाई टू सॉरी थ्री तो ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स माइनस ए टू एक्स इज़ इक्वल टू थर्टी माइनस फिफ्टीन तो ये हो गया x इज़ इक्ल टू फिफ्टीन कितना हो गया बच्चों x इज़ इक्वल टू फिफ्टीन तो आपको राम की वर्तमान आयु निकालनी है तो आप देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए में पंद्रह वर्ष है बी में बीस वर्ष है सी में पच्चीस वर्ष है और डी में तीस वर्ष है तो क्या ऑप्शन हो जाएगा ए यानी फिफ्टीन वर्ष ठीक है बच्चों कुछ नहीं करना होता है सीधा सॉल्व करते जाना है जैसा प्रश्न कह रहा है उसी अनुसार करना है अगर आपको ट्रिक्स पता हैं इनकी अलगर्थम की तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं अगला क्वेश्चन देखें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो लघुत्तम संख्या सैंतीस आठ सौ पच्चीस से योग करने पर उसे तेरह से विभाज्य बना देगी यानी सैंतीस आठ सौ पच्चीस से योग करने पर उसे कितने से तेरह से विभाज्य बना देगी ऑप्शन ए फाइव बी थ्री सी फोर और डी एट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बच्चों आपको क्या करना है आपको थर्टी सेवन एट टू फाइव का क्या निकालना है इसको आप निकाल लीजिए शेष फल से मासा और जब ये आप निकाल लेंगे तो इसको निकालने के लिए आपको पीछे से जोड़े बनाने पड़ेंगे ठीक है बच्चों और आप टेरे में क्या करें इसका डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करते जाएंगे तो ये क्या आएगा टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स वन और वन और एट और नाइन वन वन सेवन और वन टू और ज़ीरो और फाइव फिर नाइन वन वन सेवन कितना आया इसमें फिर आएगा बच्चों एट क्या आया एट विभाज्य बना देगी तो आप ये देखो एट में कितना जोड़ें कि आपका थर्टीन हो जाए तो एट में अगर हम पाँच जोड़ दें तो आपकी क्या हो जाएगी थर्टीन बन जाएगा यानी हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया सिंपल डिवाइड किया और डिवाइड करने के पास हमारा जो शेष फल आया जो शेष आया जो डर आया वो हमने यहाँ पे एट रखा और एट में अगर हम जितना जोड़ेंगे वो थर्टीन आ जाए ठीक है तो वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी विभाज्य बना देगी यानी भाज्य बना देगी तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा इसका आंसर बच्चों होगा ए में पाँच बी में तीन सी में चार यानी ए इज़ इक्वल टू फाइव नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है इसे ज़रा समझते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है यदि एक्स बटे बाई इज़ इक्वल टू तीन बटे चार आठ एक्स माइनस फाइव बाई इज इक्वल टू बाईज तो एक्स बराबर है ए टू बाई फाइव बी वन बाई फोर सी टू बाई थ्री या डी थ्री बाई टू तो यदि हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं तो बच्चों इसमें सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है इसमें आपको वैल्यू रखनी है किसकी एक्स की वैल्यू निकाल लें हम लोग बाई की वैल्यू एक्स के पदों में तो कितनी हो जाएगी बाई इक्वल टू हो जाएगा फोर एक्स बाई थ्री कितना हो जाएगा फोर एक्स बाई थ्री और ये आप कहाँ रख देंगे ये आप यहाँ पे रख देंगे यानी आपका हो जाएगा एट एक्स प्लस फाइव इंटू फोर एक्स बाई थ्री इज़ इक्वल टू ट्वेंटी टू तो ये आपका बन जाएगा ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स इज़ इक्वल टू थर्टी ट्वेंटी सिक्स इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी फोर एक्स इज़ इक्ल टू सिक्सटी सिक्स तो एक्स इज़ इक्वल टू सिक्सटी सिक्स बाई फोर्टी फ़ोर और इसे सीधा काट देंगे तो आ जाएगा थ्री बाई टू और देखें आप इसके किस ऑप्शन में थ्री बाई टू है ज़रा देखते हैं बच्चों सवाल देख के घबराना नहीं है जैसा वो कह रहा है उसी प्रकार हमने किया हमने क्या किया सीधा एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू एक्स की पदों में ले आए और उसे सॉल्व करते चले गए और हमारा आंसर निकल आया यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन दस तथा पचास के मध्य उस संूढ़ संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए जिसके अंकों में उलट के उपरान्त भी प्रभावहीन रहता है ऑप्शन देखते हैं कि यदि हम एक दस से पचास के मध्य की उस रूढ़ संख्या का वर्ग याद कीजिए जिसके अंकों को उलट फेर के उपरांत भी प्रभावहीन रहता है देखते हैं जरा ए इज़ वाई वन सिक्स नाइन बी वाई वन टू वन सी वाई सिक्स टू फाइव या डी वाई वन नाइन सिक्स तो बच्चों अगर हम एक से दस के मध्य आवाज संख्या देखें दस से तो ग्यारह है हमारी तेरह है हमारी सत्रह है हमारी उन्नीस है हमारी तेईस है हमारी ठीक है इसके बाद आप अगर जाएंगे तो उनतीस है इकतीस है ठीक है सैतीस है ठीक है इकतालीस है तैतालीस है और सैतालीस है आप क्या करना है ज्ञात कीजिए जिसके अंकों में उलट फेर के उपरांत भी प्रभावहीन रहती है अब आप ये देख लिए ऐसी कौन सी संख्या है अगर हम उसको पलट दें तो उसके बाद भी रूढ़ संख्या का वर्ग पलट दें तो उसके बाद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इन संख्याओं में आप अगर देखें यदि हम ग्यारह को बदल दें चाहे वन को इधर ले आए या इस वाले को उधर ले जाएं तो उसमें कोई चेंज होता है नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन ए में 169, बी में 121, सी में 625 और डी में 196 तो 11 का जो वर्ग होता है वो हमेशा कैसा रहेगा सेम रहेगा यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या है दो सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने बड़े व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा ए 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर बी 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर सी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर या डी 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा इसे समझते हैं देखते हैं बच्चों दो सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की बात करें तो माना हमने कि इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपका कितना इसको जरा देखें यदि हम व्रत की त्रिज्या x इज इक्वल टू एक सेंटीमीटर माने तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वायर पाई आर स्क्वा ठीक है तो ये क्या कह रहा है व्रत की त्रिज्या एक सेंटीमीटर है तो व्रत का क्षेत्रफल तो व्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आर तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है और इसके अंदर अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी कितनी क्षेत्रफल की बात करें तो तीन दशमलव एक चार यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3.14 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें एक पैंसठ मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर एक मिनट में पाँच मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में तीन मीटर नीचे खिसकता है खंबे के एक सिरे पर पहुंचने पर बंदर को कितना समय लगेगा तो बच्चा बंदर की कितना मीटर लंबा है पैंसठ मीटर पहले मिनट में फर्स्ट मिनट की अगर हम बात करें तो कितना चढ़ जाता है पाँच मीटर ठीक है और अगले दूसरे मिनट की बात करें तो क्या करेंगे तो वो क्या करता है तीन मिनट नीचे खिसक जाता है ये ऊपर चढ़ा ये नीचे चढ़ा तो दो मिनट में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई तो दो मिनट में दो मीटर चढ़ता है समझे बच्चों दो मिनट में दो मीटर चढ़ेगा तो अगर हम बात करें सिक्सटी मीटर का यहाँ निकालें तो सिक्सटी मीटर का अगर हम 60 मीटर के बारे में बात करेंगे पहले क्योंकि पाँच मीटर एक बार में चढ़ जाएगा तो पाँच हम छोड़ देंगे तो 60 मीटर का जब हमने निकाला तो 60 मीटर को चढ़ने में उसे समय लगेगा बच्चों कितना 30 मिनट कितना लगेगा 30 मिनट सीधा सीधा है दो मिनट में कितना चढ़ रहा है दो मीटर तो सिक्सटी मिनट मीटर में कितना चढ़ेगा सिक्सटी मीटर चढ़ने में उसे कितना मिनट लगेगा उसे लगेगा तीस मिनट कितना लगेगा बच्चों तीस मिनट और यहीं पे अगला जो हम बात करते हैं तो वो क्या है वो नेक्स्ट पाँच मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लग जाएगा तो नेक्स्ट पाँच मीटर उसे चढ़ने में कितना समय लगेगा तो सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस फाइव यानी सिक्सटी फाइव है तो अगले एक मिनट में क्या करेगा वो पाँच मीटर चढ़ जाएगा और पाँच मीटर चढ़ने के बाद वो फिर नीचे नहीं गिरेगा यानी उसे मिनट लगेंगे कितने उसे मिनट लगेंगे इकसठ यानी साठ मीटर चढ़ने में उसे साठ मिनट लग रहे हैं तो अगले पाँच मीटर चढ़ने में उसे कितने लगेंगे इकसठ मिनट लगेंगे ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर देखते हैं थर्टीन एक विद्यार्थी किसी कक्षा में पचास विद्यार्थियों की औसत अंक पचास है ठीक है तो उनमें से 40 उन विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है तथा शेष दस विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम औसतों का डिफरेंस निकाल लेंगे कैसे डिफरेंस 50 का औसत कितना हुआ टोटल तो ये हुआ आपका 2500 कितना हुआ 2500 40 का औसत की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो गया 1600 ठीक है 25 और 50 और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 विद्यार्थियों का डिफरेंस निकलेगा बच्चों कितना 900 कितना निकलेगा 900 तो 10 विद्यार्थियों का अगर हम औसत निकालेंगे 10 का तो ये कितना निकलेगा 900 हंड्रेड बाई टेन यानी ये कितना है 90 है तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि ए पचास सरसठ बी पैंसठ सी नब्बे डी टेन तो कौन सा है बच्चों सी नब्बे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर फोर्टी फोर्टीन पर क्या है फोर्टीन इसे देखते हैं आर व्रत वाले किसी व्रत का क्षेत्रफल ए है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल उसकी प्रत्येक भुजा व्रत की त्रिज्य आर से दुगनी है तो डेल्टा है दुगनी है डेल्टा है तो ऐसे में ए का मान डेल्टा से कम होगा का मान डेल्टा से अधिक होगा या का मान डेल्टा के बराबर होगा या ए का मान तीन बटे चार डेल्टा के बराबर होगा तो ये बच्चों इसका अगर हम बात करें तो का मान डेल्टा से कम होगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यदि p प्लस टू क्यू बराबर टू पी प्लस क्यू तब p माइनस क्यू बराबर होगा a बराबर टू के बी बराबर शून्य के या c बराबर चार के या d बराबर उपरोक्त में से कोई नहीं तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें p और q तो जो p होगा माइनस क्यू बराबर होगा किसके ज़ीरो के, के किसके बच्चों ज़ीरो के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगर हम इसे निकालना चाहें बच्चों तो इसे हम क्या कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं कैसे निकालेंगे जैसे मान लो p प्लस टू क्यू बराबर टू पी प्लस क्यू इसे ऐसे करके देख सकते हैं p प्लस टू क्यू माइनस टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो तो p माइनस पी माइ प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो निकालना है p- माइनस क्यू तो माइनस का इंटरचेंज कर दें दोनों जगह तो p- माइनस क्यू इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा ज़ीरो यानी ये क्या होगा आपका ज़ीरो होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर यदि एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड समुच्चय हों तो बाई माइन एक्स माइनस बाई माइनस जेड बराबर होगा एक्स माइनस बाई यूनियन एक्स इंटर सेक्शन जैड एक्स माइनस बाई माइनस जेड सी एक्स माइनस बाई इंटर बाई एक्स माइनस या डी एक्स माइनस बाई माइनस एक्स माइनस जेड तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसके क्वेश्चन के बारे में समझें समुच्चय हो तो X माइनस बाई माइनस जेड बराबर होगा X माइनस बाई यूनियन X इंटरसेक्शन Z के ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पर सेवेंटीन देखें ये एक आदमी ने दो मोटरसाइकिल को एक ही दाम पर बेच दिया एक में उसे बीस प्रतिशत का लाभ हुआ तथा दूसरे में उसे बीस प्रतिशत की हानि हुई इस विक्रय से उसे क्या होगा बच्चों इसका सीधा फंडा है जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो समान लाभ पर बेच देता है तो हमेशा क्या होगी हानि ही होगी यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ठीक है अगर आप जानना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है उससे आप इसे भी देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे हंड्रेड इससे आप निकाल सकते हैं हानि और लाभ क्या निकाल सकते हैं हानि या लाभ तो देखें बच्चों बीस लाभ है प्लस हानि हुई है माइनस बीस माइनस बीस माइनस बीस, माँणस बीस, माँणस बीस ठीक है बटी हंड्रेड तो जब आप इसे करेंगे तो क्या हुआ ये प्लस माइनस कट जाएगा और माइनस प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा ठीक है बच्चों और ठीक है और यहां पे क्या है माइनस फोर्टी हंड्रेड बटे हंड्रेड तो ये जो चिन्ह आया ये क्या इंडिकेट करता है कि माइनस चार प्रतिशत की क्या हुई हानि हुई यानी सी बी ऑप्शन हमारा सही होगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन ए ग्यारह सौ रुपये श्याम मालिक और कोमल को इस प्रकार बांटे गए कि श्याम को मालिक और कोमल की आ, कुल प्राप्ति का एक चौथाई भाग प्राप्त हुआ यदि मालिक वहीं पता पाता जो कोमल पाती है तो कोमल कितने रुपए मलिक हिस्सा में आए यानी ग्यारह सौ रुपये श्याम मलिक और कोमल को इस प्रकार बांटे गए हैं कि श्याम को मलिक तथा कोमल की कुल का एक चौथाई भाग प्राप्त हुआ है यदि मलिक को वही प्राप्त हुआ है जो कोमल को पाया है तो कोमल कि कितने रुपए पाए हैं तो बच्चों ऐसे में अगर हम बात की जाए तो सीधी बात है श्याम का हिस्सा इज इक्वल टू कोमल का हिस्सा प्लस मलिक का हिस्सा यानी जोड़ दिया जाएगा तो आगे अगर हम करेंगे तो क्या कह रहा है कि इस प्रकार बांटे गए हैं कि कुल एक चौथाई भाग प्राप्त हुआ है कोमल और मलिक की प्राप्ति का कुल एक चौथाई तो यहाँ पे क्या होगा यदि हम दोनों का हिस्सा x मान लेते हैं इसको क्या मान लें एक्स मान लेते हैं तो एस को कितना यानी श्याम को कितना मिला है एक्स ठीक है कितना मिला एक चौथाई तो वन बाई फोर एक्स प्लस एक्स यानी टू एक्स बाई फोर ठीक है क्या मिला है टू एक्स बाई फोर अब क्या कह रहा है यदि मलिक वही पाता है जो कोमल पाती है तो कोमल कितने रुपए का हिस्सा होगा तो यहाँ पे जब प्रश्नानुसार आप बात करेंगे तो टोटल रुपए कितने हैं ग्यारह सौ रुपये हैं टोटल ग्यारह सौ रुपए हैं तो ग्यारह सौ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स बाई फोर तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा टेन एक्स बटे फोर इंटू एलेवन हंड्रेड ठीक है तो ये ज़ीरो ज़ीरो ठीक है बच्चों तो एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फोर ठीक है कितना आया फोर फोर ज़ीरो तो आपका आंसर यहाँ पे देख लें ए में थ्री थ्री जीरो बी में फोर फोर जीरो यानी बी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए दिए गए एक बटा दो दो बटा पाँच तीन बटे आठ और पाँच चार बटे ग्यारह का सही आरोही क्रम निकालिए तो बच्चों इसका आरोही क्रम निकालने का सीधा तर तरीका है कि आप इसका 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 दशमलव में मैं इसे चेंज कर लें तो जब हम दशमलव में इसे चेंज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव इसे लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फोर इसे लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन इसे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री थ्री तो आप देखें कि यहाँ पे कौन सबसे छोटा है तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है चार बटे बारह है यानी सबसे लास्ट में चार बटे बारह और सबसे बड़े की बात करोगे तो वन बाई टू सबसे बड़ा है तो ऑप्शन नंबर ए में सबसे बड़ा पहले है यानी यदि हम इसे सॉल्व करें तो आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम का मतलब छोटा सबसे पहले यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर तेरह सोलह तैंतीस चालीस में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्रथम दोनों के अनुपात में क्या हो दोनों का अनुपात बराबर हो जाए तो ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू थ्री सी इक्वल टू माइनस टू और डी इक्वल टू माइनस थ्री तो यदि हम इसमें बात करें छोटी से छोटी संख्या घटाने की बात की जा रही है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे हम मान लेते हैं उसे x और हल करते हैं तो हमारा आंसर आएगा x इक्ल टू माइनस टू ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर रोहन ने तीन माह के लिए एक बैंक से सोलह सौ सो रुपये कर्ज लिया पता उसे उसे सोलह सौ सो अस्सी रुपये बैंक को लौटाना है बैंक की ब्याज दर क्या होगी तो यहाँ पे फॉर्मूला सीधा होता है ब्याज इक्वल टू क्या होता है बच्चों मिश्रधन माइनस मूलधन ठीक है तो यहाँ पे अगर हमने निकाला तो कितना निकला 1680 सो अस्सी माइनस सोलह यानी क्या हुआ 80 हुआ ब्याज दर निकाला जाता इंटरेस्ट होता है पी आर टी बटे हंड्रेड तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा तो आपका आ जाएगा से इक्कीस परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यदि किसी व्यवस्था में 50 प्रतिशत व्यय होता है 50 प्रतिशत व्यय होता है तो पाई चित्र में उसके तद अनुरूप होगा ए 50 डिग्री बी 180 डिग्री ठीक है और सी 90 डिग्री या डी 360 डिग्री पाई चित्र में अगर हम कोण का मान करें तो 50 बटे सौ तो गुड़ें अगर हम इसमें देखें तो पाई चित्र का संपूर्ण कोण 360 तो ये और ये ये और ये तो ये हम जब घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा छत्तीस पंजा वन यानी 180 डिग्री हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री यदि किसी व्रत की परिधि साठ प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा ए 160 प्रतिशत बी 230 प्रतिशत सी 156 प्रतिशत या डी 300 प्रतिशत तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें क्या होगा सॉल्व करने पर अगर हम देखें पर्धि बढ़ा रहे हैं तो परधी का फार्मूला होता है मैं तुम्हें बस फार्मूला बताऊँगा यहाँ पर क्योंकि हमें तेज़ी से आगे टाइम के रहते हुए सॉल्व करने हैं टू पाई आर क्या हो गया परधि इक्वल टू टू पाई आर अब परधि हमें बढ़ा देनी है 60 प्रतिशत तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना एक सौ छप्पन ऐसे एक सौ हो जाएगा चलो एक बार बता देते हैं तो यहाँ पे पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर इज इक्वल टू कितनी है जैसे अगर हम परधि मान लें तो परधि हमने सीधी मानी कि अभी सौ है ठीक है तो टू पाई आर तो पाईआर इज इक्वल टू कितना हो गया पाईआर हो गया हमारा पचास अब हमने परदी को बढ़ा दिया एक सौ साठ ठीक है कितना बढ़ा दिया एक सौ साठ यानी पाई आर इज स्क्वेर पाई बटे फिफ्टी पाई स्क्वेर यानी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पाई ये किया तो इसके बाद परदी को 60 प्रतिशत बढ़ाया तो नई परदी कितनी हो गई हमारी 160 तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 156 नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और देखते हैं 24 एक नगर की जनसंख्या इतनी है यदि वह प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत की दर से बढ़ रही है तो पाँच वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या ऑप्शन देखिए ऑप्शन बच्चों हैं ए वन टू फाइव जीरो थ्री ज़ीरो ज़ीरो बी बी क्या है वी है वन थ्री सेवन ज़ीरो एट ज़ीरो ज़ीरो सी वन फोर थ्री ज़ीरो सिक्स डबल ज़ीरो सी वन फाइव नाइन ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो तो अगर हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो जनसंख्या का फॉर्मूला निकालने के लिए हम देखते हैं कि पी इज़ इक्वल टू होता है पी ज़ीरो ठीक है बटे वन प्लस फाइव बटे क्या हो जाएगा फाइव बटे हंड्रेड और सॉरी दर बटे आर यानी आर बटे एन टू पावर एन ये इनिशियल है तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आपका आंसर आएगा वन थ्री सेवन जीरो एट डबल ज़ीरो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर यदि किसी पानी की टंकी चार बटे बारह भाग दस मिनट में भरता है तो टंकी का शेष भाग कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा ठीक है बच्चों जरा इसे देखते हैं कितना समय लगेगा तो टंकी का चार बटे बारह भाग दस मिनट में भर रहा है तो खाली कितनी टंकी रह गई तो दस मिनट में भरा हमारा टंकी का चार बटे भाग बारह तो शेष रह गई आपकी कितनी शेष रह गई वन माइनस चार बटे बारह इज इक्वल टू एट बटे बारह ठीक है बच्चों शेष कितनी रह गई एट बाई ट्वेल्व रह गई है ठीक है अगर चार बटे बारह भाग, भाग भरने में दस मिनट लग रहा है तो आठ बटे बारह भाग भरने में कितना समय लगेगा इसको देखते हैं दस मिनट लग रहा है चार बटे बारह में तो ये कितना हो जाएगा आठ बाई ट्वेल्व ठीक है मल्टीप्लाइड बाई टेन इज मल्टी अपॉन फोर बाई ट्वेल्व तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों वो आ जाएगा आपका ट्वेंटी मिनट ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी ट्वेंटी मिनट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पर कोलू में क्या है ज़रा कोलू में एक बैल चार मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है यदि बैल कुल बारह चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी तो कोलू की यानी आर हो गई आपकी कितनी चार मीटर कितनी होगी बच्चों चार मीटर और यदि बैल बारह चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में दूरी तय की टू पाई आर के हिसाब से ठीक है तो बारह चक्कर लगाने में बराबर करेगा बारह इंटू टू पाई आर तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों वो कितना होगा इसके बारे में देखें तो वो हो जाएगा आपका 302 मीटर यानी डी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर रामू अपनी मासिक आय का दो बटे पाँच भाग किराए पर शेष आय का तीन बटे चार भाग अन्य मदों पर और बचे हुए रुपए डेढ़ सौ का बचत खाते में रखता है रामू की मासिक आय कितनी थी तो ज़रा इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सीधे सीधे खर्च कर लेंगे माना मासिक आय एक्स थी और सारी मदहल कर देंगे तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों कितना एक हज़ार यानी रामू की आय कितनी है वन थाउजेंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट यदि किसी वृत्त की परिधि की तथा त्रिज्या का अंतर सैंतीस सेंटीमीटर है और इसके ब्यास की लंबाई क्या होगी ए सात सेंटीमीटर बी दस सेंटीमीटर सी साढ़े तीन सेंटीमीटर या डी चौदह सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या कितनी दी गई है परिधि और त्रिज्या का अंतर सैंतीस दिया गया है यानी टू पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू कितनी है थर्टी सेवन ठीक है यानी ये है हमारी परिधि और ये है हमारी त्रिज्या रेडियस तो उसके ब्यास की लंबाई ज्ञात करनी है तो आप क्या निकाल सकते हैं तो अगर हम आर कॉमन ले लें तो टू पाई माइनस वन इज इक्वल टू थर्टी सेवन और पाई का वैल्यू रख दें तो आर इज़ इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस वन इक्वल टू थर्टी सेवन तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आर इज़ इक्वल टू आएगा सात सेंटीमीटर ठीक है और तो आर डी होता है यानी दो इंटू आर तो यानी ये हो जाएगा टू इंटू सेवन यानी आपका आंसर नंबर डी यानी चौदह सेंटीमीटर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग ट्वेंटी सेवन पर और देखते हैं ट्वेंटी सेवन में क्या है देखते हैं निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए क्या है पी तथा क्यू की एक ही आयु है अथवा क्यू पी से बड़ा है यानी क्यू ये होगा बड़ा यानी क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी आर तथा एस की एक ही आयु है अथवा आर से एस क्यू से पी बड़ा सॉरी ये गलत है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q और ऐसे ही R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। R से Q बड़ा है R इज Q इज ग्रेटर देन R। नीचे दिए गए गोकूट में कौन सा सही है Q से P बड़ा है Q से P बड़ा है ठीक है Q से P बड़ा है, है? है बराबर भी हो सकता है ठीक है क्यू से एस एक ही आयु के हैं ऐसे बारे में कुछ नहीं कहा गया है आर एस से बड़ा है ऐसा तो नहीं कहा गया है आर से बड़ा एस है ये भी नहीं आर से पी बड़ा है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है अगर आर से क्यू बड़ा है तो आर से पी बड़ा होगा यानी क्वेश्चन नंबर इसका होगा डी नेक्स्ट चलते हैं थर्टी पर यदि राम श्याम की राम और श्याम राम श्याम और कपिल भाई हैं दया माँ है श्याम की तथा अर्श पिता है राम का तो निम्नलिखित में कौन से कथन निश्चित रूप से असत्य हैं कौन सा कथन असत्य हो सकता है जरा देखते हैं राम पुत्र है अर्श का ये कथन सत्य हो सकता है राम पिता है कपिल का ये कथन पे विचार करना पड़ेगा दया पत्नी है अर्श की ये भी हो सकती है श्याम भाई है कपिल का ये तो पहले ही सेंटेंस में है यानी बी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पर निम्नलिखित में दिए गए अंकों की श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए बारह प्लस दस बाईस प्लस दस सॉरी बाईस प्लस ग्यारह प्लस बारह प्लस तेरह प्लस चौदह आठ चार बारह पाँच एक छः एक सात यानी आना चाहिए कितना बच्चों सेवेंटी टू ये भी आंसर आपका आ गया नेक्स्ट चलते हैं डी आई आर जी एम ई जी ई एम टी डेगमेंट का कूट भाषा क्या हो गया है डी चेंज हो जाता है किस पर ज़रा इस पर लिख लेते हैं डी आई आर ए जी ई एम टी और G हो गया ये R हो गया ये A हो गया ये D हो गया ये I, ये N हो गया ये और T, यानी D चेंज हुआ I में I चेंज हुआ R में R चेंज हुआ A में A चेंज हुआ D में G चेंज हुआ I में E चेंज हुआ किसी में नहीं अच्छा और M चेंज हुआ N में T चेंज हुआ किसी में नहीं तो बच्चों अगर हम देखते हैं यहाँ पे चीटिंग क्या C H E A T I N G इसके बारे में पूछा जा रहा है कि चीटिंग क्या होगा अगर हम बात करें देखते हैं तो ज़रा देखो ये जो वन टू थ्री फोर फाइव ये वाला पांचवा अक्षर चेंज किससे हो रहा है पहले अक्षर से तो वन टू थ्री फोर फाइव सी के नीचे टी आना चाहिए आई चेंज हो रहा है अगले वाले अक्षर से यानी एच के नीचे ई आना चाहिए ठीक है आर चेंज हो रहा है अगले अक्षर से यानी ई के नीचे ए होना चाहिए ए चेंज हो रहा है पहले अक्षर से यानी ए के नीचे सी होना चाहिए जी हो रहा है अपने दूसरे अक्षर से यानी इसके साथ एच होना चाहिए ई हो रहा है कोई चेंज नहीं यानी आई एम हो रहा है किससे एन से तो एन ओ एम एन और टी में नो चेंज तो टी ए ए सी एच आई ओ जी देखते हैं आई जरा देखें हम तो इसमें क्या हो रहा है टीचिंग यानी ये बन रहा है आपका थर्टी टू का ए ठीक है कौन सा सटीक ज़्यादा बैठ रहा है ए बैठ रहा है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इन क्वेश्चनों में जो सटीक बैठेगा उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए नेक्स्ट है आपका ए रविंद्र उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करे खड़ा है ये आपका दिशा हो गया उत्तर पश्चिम यानी इस दिशा में खड़ा है ठीक है वह पहले 1350 घड़ी की विपरीत दिशा में यानी 135 डिग्री होगा से तथा बाद में घड़ी की दिशा की 180 डिग्री घूमता है इस प्रकार उसका मुख किस दिशा में होगा तो बच्चों जब हम ये देखेंगे तो इसे घुमा देंगे पहले हमने घुमाया ये फिर घुमाया ऐसा और इस तरह जब देखेंगे तो ये किस दिशा में पहुंच जाएगा तो ये उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पर थर्टी फोर देखते हैं थर्टी फोर है बी ई जी इज इक्वल टू एम जी ओ डी इज इक्वल टू छब्बीस बी ई जी इज इक्वल टू ए एम जी ओ डी इज इक्वल टू छब्बीस प्रदर्शित किया जाता है तो बी डी ए एस को किस संख्या से रूप में प्रदर्शित करोगे अगर हम बी ई जी की बात करें तो टू फाइव और जी बात करें तो ये हो जाएगा सात यानी चौदह क्यों वन और थर्टीन यानी तेरह होता है ऐसे ही जब इसमें हम चेंज करेंगे तो ये छब्बीस प्रदर्शित कर रहा है ठीक है तो 26 कैसे कर रहा है ये भी देख लो आप बच्चों इसमें अगर हम बात करें ये 26 कैसे कर रहा है तो अगर हम 26 की बात करें तो 7 प्लस पंद्रह प्लस चार इस तरह ये 26 हुआ है तो इसमें भी चेंज होगा 2 प्लस फोर प्लस एक प्लस एस को अगर हम देखें तो 19 तो ये हो जाएगा आपका 26 यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पर एस पी से बड़ा है लेकिन एम से छोटा है एस एस इज़ ग्रेटर देन पी बट लेस देन एम ठीक है एम से छोटा है जी वी से छोटा है जी वी से छोटा है तो जी इज वी इज ग्रेटर देन जी वी पी वी पी की लंबाई का नहीं है तो वी डज़ नॉट इक्वल टू पी यदि सभी एक सीध पंक्ति में हों तो उनके पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो उनके मध्य कौन होगा तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे V और P में संबंध बराबर का नहीं है यानी क्या बोल रहे हैं बी पी की लंबाई का नहीं है तो क्या लंबाई का नहीं है इसके बारे में अगर हम बात करें यानी P जो है वो ग्रेटर देन V होगा यानी अगर हम यहाँ पे आ जाएं, इज़ ग्रेटर देन वी इज ग्रेटर देन जी और इसमें देखें वन टू थ्री फोर फाइव जो मध्य में आ रहा है वो कौन है बच्चों मध्य में आ रहा है वो पी है यानी हमारा ए आंसर बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पर निम्नलिखित अंकों को लेकर इनमें कितने दो अंक वाले संयोजन बन सकते हैं जिनमें से प्रत्येक अंक में प्रत्येक में नौ अंक शामिल हों तीन नौ पाँच तीन दो साठ सात एक अगर हम इसमें से बात करें कितने अंक वाले तो नौ शामिल हो सकता है पाँच तिरानवे बानवे अंठानवे सन्तानवे ठीक है नेक्स्ट है उनसठ उनतालीस उनतीस एक नवासी और उन्यासी ठीक है इनमें कितने दो अंक वाले संयोजक बन सकते जिनमें से प्रत्येक में नौ का अंक शामिल हो तो बच्चों अगर हम आप देखते हैं तो ये कितने संयोजन बन जाएंगे एक और बना दो 99 नाइन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह कितने बन गए बच्चों ग्यारह ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा डी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नीचे दिए गए में त्रिभुजों की आकृति बतानी है कितने त्रिभुज हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है एट ठीक है नाइन ठीक है टेन ठीक है समझे कैसे ही टेन नेक्स्ट चलते हैं अगर हम इसके ऑप्शन में देखते हैं तो नीचे दिए गए त्रुभुजों एवं आयतों की संख्या का अंतर ओके आयत और बताना है इसमें तो बच्चों जब आयत हम देखते हैं तो आयत कितने बनेंगे तो आयत बनेंगे ट्वेल्व और ट्वेल्व माइनस ये बनेंगे नाइन नाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा थ्री तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट क्या कहता है यदि अनिल और बबलू की आय का अनुपात दो अनुपात तीन है तो बबलू और चंद्रा की आय का अनुपात चार अनुपात पाँच है चंद्रा और दीप की आय का अनुपात छः अनुपात सात है तो अनिल और दीप की आयु का अनुपात होगा ऑप्शन ये दिए गए हैं तो बच्चों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा सोलह अनुपात पैंतीस ठीक है तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पर यदि आकाश तथा विभव भाई हैं चंचल आकाश की बहन है देव अंशु का भाई है आंसू विभव की पुत्री है तो देव के चाचा में कौन होगा तो ऑप्शन ए है चंचल बी आंसू सी सी विभव और डी आकाश तो चाचा कौन होंगे बच्चों आकाश होंगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या एक्स तथा बाई को ज्ञात करना है ठीक है तो इसमें हम देखते हैं पाँच पंद्रह नौ बारह तेरह नौ सत्रह और इक्कीस और एक्स और बाई तो इसमें हम दो संघ बना लेंगे एक बनेगा ऐसा 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 और ऐसा एक बनेगा ये ये और ये ठीक है तो ज़रा देखते हैं हम क्या बनता है इसमें तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी छः और इक्कीस कैसे पंद्रह और नौ कितना हुआ चार ठीक है फिर चार तेरह फिर चार सत्रह फिर चार इक्कीस यानी ये बाई इक्कीस हो गया पंद्रह और तीन पंद्रह में गई तीन तीन में तीन नौ नौ में तीन छः यानी आंसर नंबर ए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन नीचे दिए गए चित्र में अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है तो बच्चों अज्ञात संख्या ज्ञात करने हैं तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन इक्वल टू वन ठीक है ऐसे ही करते हुए जब आएंगे तो आपका जो यहाँ पे आएगा यानी जो आपका यहाँ पे आएगा वो होगा वन टू वन क्या बनेगा वन टू वन जैसे अगर हम करें जीरो गुणे वन प्लस वन इक्वल टू वन नेक्स्ट में करें वन गुणे थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर नेक्स्ट करें फोर इंटू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू थर्टीन नेक्स्ट करें फोर्टी प्लस थर्टीन मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर्टी नेक्स्ट फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस वन इजक्वल टू वन ट्वेंटी वन ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पर यदि एक विद्युत ट्रेन पश्चिम की दिशा की ओर जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में होगा अब यहाँ देखिए यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन है ट्रेन कैसी है विद्युत है और किस दिशा में जा रहा है पश्चिम दिशा में जब विद्युत ट्रेन है तो धुआं कहाँ से निकलेगा तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा डी होगा नेक्स्ट चलते हैं थर्टी फोर्टी थ्री पर माना एक नौ सात त्रा सत्ताईस एक्स और तीस सदसठ एक श्रेणी में है तो एक्स का मान क्या होगा ए 37 सेवन बी 28 एट फोर्टी एट फोर्टी सेवन तो बच्चों इसका मान अगर हम बात करें तो इसका मान होगा बच्चों कितना 38 क्या होगा 38 क्वेश्चन नंबर 44 यदि किसी कोड पर दो पाँच सात तथा नौ का अर्थ क्रमशः जीरो पाँच चौदह और सत्ताईस है तो कोड ग्यारह का अर्थ क्या होगा ए पैंतालीस बी पचपन सी पैंसठ और डी चवालीस तो क्वेश्चन नंबर इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 55 नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 45 फाइव एक्स की उम्र बाई की उम्र से दो गुनी होगी तो तीन वर्ष पूर्व एक्स की उम्र बाई की उम्र से तीन गुनी थी इसी समय एक्स की आयु क्या होगी ए बराबर सोलह बी बराबर बारह सी बराबर बीस और टी बराबर तीस दस वर्ष तो इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा एक्स की आयु बारह बर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी सिक्स आशीष अपने घर से पूर्व की ओर पाँच किलोमीटर बाइक से चलता है फिर बाएँ मुड़कर चार फिर की मुड़ कर, पुना पुना मीटर की दूरी तय करता है इसके पश्चात दाएँ मुड़कर पुनः मीटर की दूरी तय करता है इस पुनः बाएँ मुड़कर छः किलोमीटर की दूरी तय करता है आशीष अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो अगर इसे हम देखते हैं तो आशीष जो है वो अपने घर के प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा तो वो दिशा होगी उत्तर पूर्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पर चलें यदि राम कहता है कि उसकी माँ गायत्री की माँ की एकमात्र पुत्री है तो गायत्री और राम के बीच क्या रिश्ता है तो गायत्री और यदि राम कहता है उसकी माँ गायत्री की माँ की एकमात्र पुत्री है उसकी माँ यानी राम की माँ गायत्री की माँ की एकमात्र पुत्री है तो गायत्री का राम से क्या संबंध है तो गायत्री का राम से मामा का संबंध है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट पर यदि कथन और पर विचार करिए सभी मनुष्य ईमानदार हैं मोहन ईमानदार है मोहन एक लड़का है निष्कर्ष सभी ईमानदार लोग लड़के हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोहन ईमानदार है तो मोहन मनुष्य का तो विरोध होता है लड़के का बोध की बात ही नहीं की गई है ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन देखें निष्कर्ष केवल एक निर्गत होता है बी केवल दो निर्गत होता है डी या तो एक या दो सी या नहीं तो ये दोनों सही गलत हैं क्योंकि निष्कर्ष ये नहीं निकाला जा सकता है नेक्स्ट फोर्टी नाइन निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है कोलकाता मुंबई चेन्नई गोवा तो गोवा भिन्न है क्योंकि गोवा राजधानी है वो सॉरी राज्य है और ये आपके समुद्र के किनारे बसे हुए मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर ये कह सकते हो ये राजधानियाँ हैं नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नीचे दिए गए त्रिभुज की संख्या बतानी है तो ज़रा त्रिभुज की संख्या देखते हैं क्या इतनी त्रिभुज की संख्या होगी तो ज़रा देखें इसमें त्रिभुजों की संख्या एक त्रिभुज की संख्या बतानी है तो एक दो तीन चार पाँच ठीक है सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितनी हो जाएगी बच्चों बारह हो जाएगी कितनी बारह यानी इसका आंसर होगा सी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन पर खाली स्थान पर भरना है हमें और ख़ाली स्थान है यहाँ पे तो जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए है पाँच ऑप्शन बी है ग्यारह ऑप्शन सी है तीस ऑप्शन डी है बत्तीस पंद्रह तो क्या होगा बच्चों ऑप्शन बी ग्यारह होगा नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी टू पर फिफ्टी टू देखते हैं निम्नलिखित कोड में सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं कथन है निकालना है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं कोई कुत्ता शेर नहीं है इसका अनुमान क्या लगेगा पहला अनुमान है कोई शेर बिल्ली नहीं है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं कोई कुत्ता शेर नहीं है यानी बिल्लियाँ कुत्ते हैं कुत्ते शेर नहीं हैं तो कोई भी बिल्ली कोई भी शेर बिल्ली नहीं है ये बात सही है कोई बिल्ली शेर नहीं है इसकी बात की यह भी कथन सही है यानी दोनों का अनुमान बिल्कुल सही लग रहा है तो अगर हम देखें इसमें क्या दोनों अनुमान ए बी निकलते हैं ये बात बिल्कुल सही है नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी थ्री पर लड़कियों की पंक, पंक्ति में उर्मिला दोनों छोरों से इक्कीसवें स्थान पर है पंक्तियों में लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए तो लड़कियों की संख्या अगर हम बात करें तो इक्कीस दूनी बयालीस और प्लस एक क्या हो जाएगा एक कम कर दें या एक बढ़ा दें तो क्या कर दें एक हम कम करेंगे क्योंकि इक्कीस प्लस इक्कीस यानी दो बार गिना जाएगा तो आंसर आएगा फोर्टी वन यानी बी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी फोर चार सात तीन चाह सात तीन एक चार का कोड जी सी ए डी है तो नाइन एट सात छः तो आप देखेंगे जी सेवन नंबर पर है सी ए नंबर पर है तो इसी प्रकार नौ नंबर पे कौन सा अच्छा आता है इसे बनी कोडों में स्वरों की संख्या ज्ञात करिए तो अगर हम स्वरों की संख्या ज्ञात करते हैं तो सेवन नाइन का मतलब आई है एट का मतलब आपका एच है सात का मतलब जी है और सिक्स का मतलब एफ है तो कोड कितने आ रहे हैं स्वर तो एक आ रहा है नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी फाइव निम्नलिखित श्रेणी का अगला अक्षर क्या होगा पी एम ए आर ओ सी यू आर एफ तो ये जब हम चेंज करेंगे तो इसका बच्चों होगा बाई बी एल यानी ऑप्शन ए में जेड पी एन पी के सी टी एच और बाई बी एल यानी डी ऑप्शन हमारा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स नीचे दिए गए में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए तो अगर हम लुप्त संख्या देखते हैं तो यहाँ पे लुप्त संख्या कितनी होगी इसकी अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे लुप्त संख्या होगी थर्टी कितनी होगी बच्चों थर्टी होगी ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन पर प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा तो प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर अक्षर की बात की जा रही है तो देखते हैं प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर तो प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर बच्चों क्या होगा एस आर के ओ में ए के नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी एट पर ए बराबर दो बी बराबर फोर सी बराबर सिक्स तथा इत्यादि सो ऑन हो तो स्टूडेंट का आ अंक मान क्या होगा ठीक है तो जले ए बराबर दो बी बराबर फोर सी बराबर सिक्स यानी एक अक्षर बढ़ा के दो बोला जा रहा है तो इसमें क्या होगा इसको देखते हैं फिफ्टी एट हो तो इसमें बच्चों क्या होगा इसमें बच्चों होगा फिफ्टी नाइन एट में हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए 200 सौ बी चौ चार सी 205 या डी 206 तो डी 206 नेक्स्ट चलते हैं 59 पर निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त हैं अक्षरों का क्रम बताइए ए बी ए ए बी सी डी तो जब ऐसा होगा क्वेश्चन तो इसमें आएगा ए सी सी ए तो आपका ऑप्शन बनेगा बी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एक व्यक्ति का चित्र देखते हुए राम ने कहा इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है ठीक है मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है राम किसके चित्र की ओर देख रहा था इसके पिता इसकी माँ मेरे पिता की पुत्र की पत्नी है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है तो अपने भतीजे की ऑप्शन जरा देखें अगर हम तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपने पुत्र के बारे में बता रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सिक्सटी वन पर आपके द्वार अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है औपचारिक अंतः संचार बी आवश्यकता अनुसार सी स्पष्ट तथा ध्यानपूर्वक संवाद या डी व्यक्तित्व तो की गंभीरता की समझ तो इसमें कौन सा सही होगा इस पर जाएं तो ये है आपका अनौपचारिक अंत संचार नेक्स्ट चलते हैं 62 अनौपचारिक संचार निम्न में से किन किन के द्वारा संप्रेषित किया जाता है तो इसमें देखें तो ए है व्यक्तिगत बातचीत सहज सुझाव मौन आँखों से संपर्क तो औपचारिक संचार अनौपचारिक देखते हैं किस किस के द्वारा किया जाता है तो बच्चों किस किस के द्वारा किया जाता है इसके बारे में कूट दिए गए हैं और वो देखते हैं ये सारे जो कूट हैं केवल एक दो तीन चार एक चार और प्रयोग सभी तो ये जो बच्चों बातें कही गई हैं वो अनौपचारिक संचार का ही माध्यम है यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक संचार की विशेषता नहीं है देखते हैं इसमें अनौपचारिक यह अप्रत्यक्ष है इसकी प्रकृति लचीला तथा गतिशील है यह पेशेवर प्रकृति का नहीं है इसकी कोई निर्धारित संरचना या चैनल नहीं है तो इसका बच्चों होगा ए यह अप्रत्यक्ष है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक मौखिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण पहलू है ए वार्तालाप दो श्रवण या तीन भाव भावभंगमा नीचे दिए गुटों का सही उत्तर का चयन करिए तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहां पे 64 में वन टू थ्री सारे की सारी बातें क्या हैं सही हैं नेक्स्ट चलते हैं 65 लिखित संचार के लाभों में शामिल नहीं है गोपनीयता का अभाव स्पष्टता कम जोखिम और प्रमाण तो इसमें शामिल जो नहीं होगा वो है आपका गोपनीयता का अभाव ठीक है बच्चों गोपनीय रहना कठिन होगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अपना अगला 66 सिक्स अधोलिखित में से कौन सा सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम है देखते हैं ऑप्शन ए शीघ्रता से समाधान होना दो टनल दृष्टि सी दोनों पक्षों का तत्काल पुनर्वेश पुनर्निवेश यदि नीचे गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर बताइए तो सही उत्तर की बात करें तो ये सारे के सारे बातें बिल्कुल सही होंगी केवल एक एक और दो केवल दो या एक दो तीन तो ये जो हैं सारी बातें की गई हैं किसके बारे में सकारात्मक संप्रेषण से ही संबंधित हैं यानी आपका आंसर नंबर डी सही होगा नेक्स्ट चलते हैं सिक्सटी सेवन अधोलिखित में से संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण पहले से आता है ए कूटलेखन बी संचारण सी कूटानुवाद या डी समझना तो जो अधोलिखित संचार प्रक्रिया में आता है आपका कूट लेखन ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पर अंतर्व्यक्तिक के संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है ए विश्वास बनने में बी आदान प्रदान में या सी संचार में या समव्यवहार में तो बच्चों समय लगता है किसमें सं सम व्यवहार में किसमें सम व्यवहार में नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन संप्रेषण की दुनिया में मॉडुलन का क्या कार्य है ए कम आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति में बदलना बी उच्च आवृत्ति के संकेतों को कम आवृत्ति में बदलना या सी तरंगों के माध्यम से वापस सूचना की प्राप्ति करना या डी संचार व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे मॉडुलन का मतलब है कम आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति में बदलना नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा संचार संख्या सत्तर से चौहत्तर के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए तो ये गद्यांश हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके उत्तर देने हैं हम यह स्वीकार करते हैं कि आज देश में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं भ्रष्टाचार निष्पतखोरी अनाचार का चारों ओर बोलबाला है यह है और गंदगी दलदल में असाधारण साधारण ही नहीं अर्थात बड़े बड़े उत्तरदायी पूर्ण शासनाधिकारी भी तक फंसे हुए हैं इन दुर्गणों का अंतर करना आवश्यक है अंत करना किंतु हम अपने छात्रों एवं नवयुवकों से निवेदन करना चाहते हैं कि यह कार्य विध्वंसात्मक कार्यों से नहीं अपतु संरचनात्मक योग्यताओं से ही पूर्ण हो पाएगा बात यह है कि जहां तक संभव हो सके छात्रों को राजनीति आदि के कुचक्र में फंसकर अपनी शिक्षा में बाधा नहीं डालनी चाहिए विद्या एवं ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है और उन्हें खोकर मनुष्य ठोकरें खाने की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पा सकता फिर भी यदि हमारे छात्रों और नवयुवकों को राष्ट्रधारा में रुचि है तो हम बड़े ही गर्व और अभिमान से उनके आह्वान करने के उद्यत हैं देखते हैं वही इसमें क्या प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा देश की प्रगति में बाधा है ठीक है भ्रष्टाचार बाधा है रिश्वतखोरी बाधा है अनाचार बाधा है ऊपर ये सारे वर्णित हैं यानी सभी सही होंगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन पर सेवेंटी वन देखते हैं गद्दांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है ये ध्यान से पढ़ना राजनीति का हुआ है रचनात्मकता का हुआ है शासनाधिकारी का हुआ है कूटनीति का कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं सेवेंटी टू पर मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है अचल संपत्ति ज्ञान विद्या ए और बी और सी दोनों तो बच्चों यहाँ पे बी और सी दोनों की बातों के बारे में बताया गया है यानी डी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट चलते हैं सेवेंटी थ्री किसी देश में विद्वान बुराइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ए विध्वंसात्मक कार्यों से राजनीतिक कार्यों से विवाहों के रचनात्मक योग्यताओं से या उपरोक्त सभी के द्वारा तो बच्चों यदि हम यहां पे देखें तो इसका बड़े ध्यान से गद्दांश अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें युवाओं के रचनात्मक योगदान को सराहाया गया है यानी हमारा आंसर क्या होगा सी हमारा आंसर होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फेवन सेवेंटी फोर पर सेवेंटी फोर इस गद्दांश में किस लेखक ने किस बात की इस गद्दांश में लेखक ने किस बात पर जोर दिया है राष्ट्र की तरक्की में भ्रष्टाचार का महत्व तो बताया है युवाओं को देश की रीढ़ राजनीति में से संपन्न राष्ट्र ज्ञान से युवा विद्वान तो यहाँ पे अगर हम बात करें गद्दांश में ज्ञान से युवा विद्वान के बारे में बताया गया है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव निम्नलिखित में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा है यानी यहाँ पे आपको पुर्तगाली भाषा के बारे में पता होना चाहिए सिगरेट कारतूस अचार और सिंगार। यदि इनमें हम चलें तो कौन सी भाषा इस पुर्तगाली भाषा है तो बच्चों अगर हम चलते हैं तो सिगरेट आपका स्पेनिश शब्द है कैसा शब्द है स्पेनिश शब्द है कारतूस की अगर हम बात करें बच्चों तो कारतूस आपका फ्रांसीसी शब्द है ठीक है बच्चों किसका फ्रांसीसी शब्द है सिंगार की बात करें बच्चों तो ये आपका स्पेनिश शब्द है और अचार की बात करें बच्चों तो ये आपका पुर्तगाली शब्द है तो कौन सा पुर्तगाली भाषा का है अचार नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटी के पास क्वेश्चन नंबर सेवेंटी निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है पहला है पूर्वांचल ओके सन्यास, सन्यास सन्यास इसको पढ़ोगे तो सन्यास पढ़ा जाएगा यानी बर्तनी यहाँ पे गलत लग रही है आंगन आगन आगन तो ये भी थोड़ा गलत लग रहा है पोलिस पोलिस पुलिस होता है पोलिस नहीं होता है तो शुद्ध के बारे में बात करें तो ए हमारा शुद्ध है पूर्वांचल नेक्स्ट चलते हैं सेवेंटी सेवन पर पर्वत है समूहवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा तो बच्चों यदि हम देखें पर्वत से सभी पर्वतों के बारे में पता चलता है यानी ये जातिवाचक संज्ञा है नेक्स्ट चलें सेवेंटी एट पर निम्न में से कौन सा एक पुल्लिंग है शारदा नीम पत्नी और अंग्रेजी अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो इसमें कौन पुल्लिंग है नीम का पेड़ होता है या नीम का पेड़ होती है इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कौन पुल्लिंग है तो नीम का पेड़ होता है यानी बी हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं सेवेंटी नाइन पर यह पुस्तक किसकी है मैं कौन सा कारक है यह पुस्तक किसकी है यह पुस्तक किसकी है इसके बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे एक तरह से संबंध के बारे में पूछा गया है ए अपादान कारक बी संप्रदान कारक सी कर्ता कारक या डी संबंध कारक तो बच्चों हमने याद किए होंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए अधिकरण में पर संबंध का की के तो संबंध यानी डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी वर्षा आ रही थी मैं भूतकाल का कौन सा भेद है सामान्य भूत पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत hmm. वर्षा आ रही थी इसके बारे में बात की गई है तो ये कैसा है बच्चों अपूर्ण भूत है यानी भूत में पास्ट में कहीं घटना घटी होगी या नहीं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हमें अभी नहीं है एट्टी वन देखते हैं दिए गए वाक्यांश जीने प्रबल इच्छा में प्रयुक्त शब्द है वाक्यांश जीने जीने की प्रबल इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द जिजुबसा जिगीसु या बात करते हैं जिज्ञासु या जजीवसा तो जीने की प्रबल इच्छा को बोला जाता है जिजीवसा नेक्स्ट चलते हैं एट्टी टू पर निम्न में कौन सा एक जलज का अनेकार्थ शब्द नहीं है ए मछली बी चंद्रमासी मोती या डी जल तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट्टी टू पर तो ये जलज का अनेकार्थ शब्द नहीं है तो जल नहीं है क्योंकि जलज आपका इसका मतलब नहीं होता नेक्स्ट चलते हैं एट्टी थ्री पर और एट्टी थ्री देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्धि संशोधन की आवश्यकता है ए आपका भविष्य उज्जवल है बी डाल पर चिड़िया बैठी है सी तुम मेरी पुस्त मेरी तरफ क्या देख रहे हो डी आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई अशुद्धि संशोधन की आवश्यकता है तो इस डी में आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई इसमें कोमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें हो जाएगी आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी वो खो गई सीधी हो जाएगी नेक्स्ट चलते हैं विनायक में कौन सी संधि है यड़ संधि वृद्धि संधि गुड़ संधि या अधि संधि तो विनायक में बच्चों कौन सी संधि है तो विनायक में अयाधि संधि है ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं एट्टी फाइव निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है ए साहू बी सूरज सी सरसों या डी शीर्ष तो निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है तो शीर्ष आपका तत्सम है क्योंकि संस्कृत और हिंदी में शीर्ष को शीर्ष ही बोलते हैं त्रिनेत्र समास है बहुब्री समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या दिगु समास। तो बच्चों यदि हम इसकी बात करें त्रिनेत्र कौन सा समास है त्रिनेत्र का शंकर के आँख तीन आँखें होती हैं तो यानी ये बहुब्री समास होगा ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं एट्टी सेवन पर अधोलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी शब्द है ए सृष्टा बी अनुग्रहिता सी रचयिता या डी आहार तो बच्चों इसमें कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है आपका कौन सा है तो ये है बच्चों आपका रचयिता ही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी 2088 पर 88 देखते हैं दिए गए मुहावरे अंगूठे पर मारा का सही अर्थ परिणाम खराब करना बी अपनी सत्यता की परीक्षा देना सी कठिन दुख सहना या डी परवाह न करना तो अंगूठे पर मारे का सही अर्थ है परवाह न करना नेक्स्ट चलते हैं 89 89 देखते हैं अधोलिखित में तद्भव शब्द क्या है ए परिधान बी पिटक सी प्रत्याभिज्ञान या डी पिटारा तो जो तद्भव शब्द है वो है आपका पिटारा कौन सा है बच्चों पिटारा नेक्स्ट चलते हैं नाइन्टी पर अधोलिखित में कौन सा व्योम का पर्यायवाची नहीं है तो बच्चों व्योम का पर्यायवाची ए अम्बुज बी अंबर, सी अंतरिक्ष या डी नव तो व्योम का पर्यायवाची कौन नहीं है बच्चों व्योम का पर्यायवाची अंबुज नहीं है अम्बुज पानी का है बाकी सारे आकाश के हैं नेक्स्ट चलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 91 टू 94 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एज गिवन एट द एंड इट इज नो डाउट ट्रू दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सोरो देयर कैन नो सनशाइन विदाउट सैडो वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट क्रॉस क्रॉसेज हैव थ्रू बट रादर be grateful that thence be a follower. Our existence here is so complex that we must expect much sorrow and suffering. Yet it is certain that no man was ever discontented with a world who did his duty in it. The world is like looking glass, if you smile it, smile if you frown it frowns back always try then to look at the bright side of things there are some person whose very presence seems like a ray of sunshine and brightness the whole room life has been described as a कॉमेडी टू दो थिंक एंड ट्रेजिडी टू दीज हु फेल क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं द ऑथर सेज दैट वी कैन नॉट वी थ्रो लाइफ विदाउट द सोरो बिकॉज क्यों कह रहा है इसके बारे में देखो ह्यूमन लाइफ इज वे ऑफ कॉम्प्लेक्स इट इज आवर फेट वी आर ऑलवेज डिसकंटेंटेड एंड लाइफ इज ट्रेजिडी तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ह्यूमन लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स ये हमने पहली लाइन में पढ़ा था देखें अगर आप एक बार देखें वी कन नाइट और देयर कैन बी सनसाइन विदाउट आउट वी मस्ट नॉट कंप्लेंट दैट क्रॉस थ्रो आउट बट रादर दैन द साइन ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू अकॉर्डिंग टू द ऑथर नो मैन कैन बी डिस विद द वर्ल्ड इफ ही ए लाइक सनसाइन बी इज डिटरमाइंड टू बी हैपी सी इज साइन सिंसियर इन डिस हिज ड्यूटीज या डी हेज ए हेल्थी एटीट्यूड ऑफ लाइफ तो ए क्या है ए लाइक सनसाइन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू नाइंटी थ्री पे चले हैं हम लोग नाइन्टी टू तो हो ही गया है द एक्सप्रेशन लाइफ इज ए ट्रेजिडी टू दोज हु फील मीन्स दैट इट इज अ ट्रेजडी टू दोज हु आर सेंसिटिव एंड इमोशनल बी थिंक अबाउट द वर्ल्ड डू डू नॉट अंडरस्टेंड द वर्ल्ड या डी बिलीव बिलीव इन फेथ तो ये है आपका आर सेंसिटिव और इमोशनल ठीक है नेक्स्ट चलते हैं 94 फोर वाट इज ऑथर मैसेज इन दिस पैसेज ए एक्सपेक्ट मच सोरो एंड सफरिंग बी लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स सी आवर एग्जिस्टेंस इज सो कॉम्प्लेक्स या डी द वर्ल्ड इज लुकिंग ग्लास तो इसका ऑप्शन होगा एक्सपेक्ट मच सोरो एंड सफरिंग नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर direction question number 95 to 96 in the following questions each of the following items consists of a sentence followed by four words or a group of the word select the antonyms of the word a word is convex conversing in the sentence in capital letters as per context Dekhte hai, sir. a small attraction between the

कॉर्ट रिप्लाई ए रूट बी सॉट या सी एक्सपेंसिव या डी आपका क्या है एब्राफ्ट ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा एक्सपेंसिव नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर 97 देखते हैं क्या है क्या है देख लें पहले ईच ऑफ़ द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाई द फोर वर्ड्स एयर ग्रुप्स इन द दर्ड सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड और वर्ड अकरिंग अकरिंग एज पर द कॉन्टेक्स्ट तो बच्चों जरा देख लें छोटा करके नाइन्टी एट एक साथ आ जाए जिससे दोनों क्वेश्चन तो आसानी रहेगी तो जरा देखते हैं इसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग द इन ह्यूमन बींग टू वांट थिंग्स दे डोंट वांट ए इंफ्लुएंसेस बी एप्रिप्रिएट या सी टिकेट्स या डी परस्यूट्स तो बच्चों इसका आंसर होगा परस्यूट्स क्या होगा बच्चों पर स्यूट्स नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर सिन इज द सोल क्लैमिटी दैट द वाइज मैन शुड बी एपर हैंडेड ए फीयर बी डिजिस सी गिव अप या डी आपका है कॉम्प्रहेंड तो बच्चों इसमें क्या होगा इसमें आपका होगा ए फियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन पर ठीक है नाइन्टी नाइन देखते हैं हम लोग वी हैव नॉट एट फुल्ली रिलीज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वार

किया जी एस वर्ल्ड का पेपर नंबर फोर्टीन यानी हमारी सी सेट जी एस वर्ल्ड का ये पेपर हमारे यू पी पी सी एस के क्वेश्चन नंबर पेपर जी एस टू के समान है जिसमें हम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पर हमने उस पेपर को सॉल्व किया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा आपको अगर इसका पी प्राप्त करना है तो आपको बच्चों पता है क्या करना होगा आपको हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च के बॉक्स में जाकर ऑफिशियल एग्जाम एग्ज़ामोफोबिया टाइप करके भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तो बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे अगला पेपर और उससे पहले लेके आएंगे यूपी स्पेशल का टॉपिक्स अपना अगला थैंक यू जय हिंद